नवंबर देव उठनी एकादशी, धनिए का पाउडर या धनिए का बीज के साथ एक चीज़ जरूर छुपाना। क्या है वो चीज़? ये सस्पेंस है, यही मूल ऐसी चीज़ है जो आपको अमीरी के दर्शन कराती है। साक्षात अमीरों में आपकी गिनती होती रहती है और आप धन्ना सेठों की गिनती में आते रहते हैं। तो ये काम अवश्य करना, आज अद्भुत स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और ये काम करने से आपके मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि देव उठनी एकादशी व्रत है आज, और आज है 23 नवंबर, स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है। पंचांगकर्ता ने इसकी बहुत प्रशंसा की है और इस मुहूर्त की, जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं वो स्वयं ही जागृत होते हैं। पंचांगकर्ता ने ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त लिखने का मतलब ही यही है कि आप सभी काम जब स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, जब कभी जब जो काम कभी कभी करने के होते हैं स्वयं सिद्ध शुभ मुहूर्त में, वो काम आप कर सकते हैं। आज ही से शुभ कामों की शुरुआत हो जाएगी। तो आज का दिन बहुत सार्थक है, खास है, और दिन से भी ज़्यादा सार्थक रात्रि है, क्योंकि हर काम में रात्रि का बहुत महत्व है। हम माता लक्ष्मी की पूजा भी रात्रि को करते हैं, वैसे तो स्थिर चौघड़िया में करते हैं, और स्थिर चौघड़िया कई बार शाम को भी पड़ता है, लेकिन सामान्यतः रात्रि को 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको मिलती है। आज हम आपको ऐसा उपाय बता रहे हैं, ये चीज़ें आपको छुपा देनी है। कहाँ छुपानी है, कैसे छुपानी है, किस में बांध के छुपानी है, ये आपको ज़रूर वीडियो देखना चाहिए पूरा और जानना चाहिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी के साथ में तुलसी माता की जय जयकार करें, शालिग्राम जी की जय जयकार करें। आज उन्हीं का दिन है और बृहस्पतिवार होने से भगवान विष्णु का भी दिन है, तो आपको भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए आज के दिन। और भगवान विष्णु और शालिग्राम एक ही स्वरूप हैं, जिस स्वरूप में भी आप ध्यावें आपको फ़ायदा मिलना ही है। और तुलसी भी साक्षात लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता का स्वरूप है, तो आपको पैसा ही पैसा देने में समर्थ है। खास बात यह है कि आज मीन का चंद्रमा है जो बृहस्पति की राशि है और बृहस्पतिवार है, तो बड़ा बड़ा गुरुवार आप इसको बोल सकते हैं। और 23 की संख्या यानी 2 और 3, चंद्रमा और बृहस्पति, गज केसरी योग तो डेट में ही बन गया है, तो आपको उद्देश्य सिद्ध होंगे, आपके सब काम सब मनोरथ सिद्ध होंगे, पैसा प्राप्ति में आपको सहायता मिलेगी। क्योंकि माता तुलसी का जो पूजन करता है तो उसको फ़ायदा मिलता है। जयपुर के जो श्री गोविंद देव जी का मंदिर है उसमें भी पूजा अर्चना वैसे तो रोज ही होती है, लेकिन आज विशेष दर्शन उनके होते हैं, झांकी होती है। सभी कृष्ण मंदिरों में आज के दिन झांकी होती है, आज के दिन दीपक जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य 101 बत्ती का शुद्ध घी का दीपक भगवान के समक्ष जलाता है, उसको जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं, पैसा ही पैसा मिलता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा टोटका बता रहे हैं जो आप रात्रि को करें, सोने से पहले करें और छुपा दें ये चीज़ें। उसमें मुख्य है साबुत धनिया। साबुत धनिए की आपको पीली पोटली बनानी है, पीले कोई भी वस्त्र में कोरा होना चाहिए, पीला वस्त्र, रुमाल भी ले सकते हैं, कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, दुपट्टे ले सकते हैं, जो कोरा होना चाहिए वही आपको रिजल्ट देगा। कपड़े पे थोड़ा गंगा जल छिड़क लें, धूप दीप कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे नमः का जाप करें। आज के दिन ये मंत्र आपको जपना चाहिए, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, तुलसी माता की जय जयकार करें, तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं, चुनरी उड़ाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, तो आपको बहुत फायदा होता है। जो मनुष्य ये मंत्र जप कर विधि पूर्वक तुलसा जी की पूजा करता है उसको संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तुलसी भगवान नारायण की प्रिय हैं, परम पवित्र हैं, सारे संसार में उनका पूजन होता है।
तो आपको तुलसी माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए, शालिग्राम जी की स्तुति भी करनी चाहिए। अब आपको उपाय बताते हैं जो हमने बताया। आपको साबुत धनिया लेना है और उसको पीले कपड़े में बांध देना है। साथ में आपको थोड़ी लौंग बांधनी है। लौंग आपको तंत्र बाधा से दूर करती है और साबुत धनिया आपको धनवान बनाता है। ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। ये दोनों चीज़ें पीले कपड़े में बांधें और छुपा के रख दीजिए, जहाँ कोई आला हो या कोई भुखारी हो या ऐसी जगह हो जहाँ कोई आता जाता नहीं है, उसको रख दीजिए छुपा कर। और फिर पूर्णिमा के दिन निकाल कर जल प्रवाहित कर दीजिए। आपको अनंत गुना